नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Realme का Realme C2 का डिवाइस है, सो गाइस फाइनली Realme C2 डिवाइस के लिए सितंबर महीने का लेटेस्ट OTA अपडेट रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स है तो नॉर्मल यूजर्स के लिए 8.29 का वर्जन आपको रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है सितंबर महीने का। एंड अगर आप एक ट्रायल यूजर्स है तो ट्रायल यूजर्स के लिए आपको C.45 का लेटेस्ट वर्जन रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है, जो कि इसी महीने का मतलब कि सितंबर महीने का लेटेस्ट अपडेट है। एंड दोस्तों, इस सितंबर महीने के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Realme C2 डिवाइस के अंदर काफी सारे लेटेस्ट फीचर देखने को मिल चुका है। एंड दोस्तों, अगर आप के पास Realme C2 डिवाइस के अलावा और भी कोई अगर Realme का डिवाइस है तो Realme C2 डिवाइस के अलावा ये सारे चेंज लॉक फीचर्स आपके फोन्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अगर आप एक Realme C2 डिवाइस के यूजर्स हैं तो आपको पता होगा कि Realme C2 डिवाइस के लिए दे सकते हैं Realme UI का Android 10 बेस अपडेट रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, जो अपडेट यहाँ पर ट्रायल बेस पे दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलीज होना चालू हो चुका है। एंड अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स है तो नॉर्मल यूजर्स के लिए 8.29 वर्जन का सितंबर महीने का लेटेस्ट अपडेट मिलना चालू हो चुका है। अगर हम जाएंगे चेक करके देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में आने के बाद आपको ट्रायल वर्जन के लिए C.45 वर्जन का लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है। एंड अपडेट लॉग में बात करेंगे, मतलब कि चेंज लॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे। काफी सारी पुराने बग्स इस अपडेट के बाद फिक्स किए गए। जैसे दोस्तों, सबसे पहले कहा कि जितने सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिए, ताकि आप अपने फोन के जो एप्लीकेशन या फिर जो सिस्टम, उसको क्रैशिंग होने से बचा सकते हैं। इसके बाद इसी महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिल चुका है। कैमरे के सारे बग्स फिक्स किए गए, अलार्म में दे सकते बग्स फिक्स किए गए, सुपर पावर सभी मोड का फीचर ऐड किया गया, डार्क मोड का बग्स फिक्स किया गया, गेम असिस्टेंट, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स है, उसके बाद गेम स्पेस है, जितने सारे पुराने बग्स थे, कॉन्टैक्ट्स का बग्स था, सब कुछ अपर फिक्स किया गया। सो गाइस, हम बात करने वाले कि वन बाय वन कौन कौन से फीचर्स जो कि नए इस बार Realme C2 में ऐड किए गए। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे चेंज लॉक के बारे में, जो कि आपको अबाउट फोन सेक्शन में देखने को मिल चुका है। सो गाइस, अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट बिल्ड वर्जन मिल चुका है एंड लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि इसी महीने का सितंबर महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल चुका है, जो कि Realme C2 डिवाइस के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि Realme हर बार आपको पिछले महीने का सिक्योरिटी पैच लेवल देता है, लेकिन पता नहीं Realme C2 डिवाइस के लिए इसी महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद ऐसे बात करेंगे चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि ऐड किया गया है सुपर पावर सेविंग मोड का फीचर। सो गाइस, सुपर पावर सेविंग मोड फीचर्स को एक्सेस करने के लिए सिंपल जाएंगे बैटरी सेक्शन में, तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बैटरी सेक्शन में जाने के बाद आपको नीचे के साइड में सुपर पावर सेविंग मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अगर फोन के अंदर 5% या फिर 10% बैटरी बैकअप बचा है एंड अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन निकल जाए, तो यहाँ पर दे सकते, अगर आप यहाँ पर ट्रैवलिंग में फंस गए तो सुपर पावर सेविंग मोड को इनेबल करने के बाद इजीली आप दे सकते हैं पूरा का पूरा दिन इसी पावर सेविंग मोड से फोन के ऊपर बैकअप चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको सुपर पावर सेविंग मोड से बाहर आना है, तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि टॉप साइड में आपको एक छोटा सा आइकॉन मिल जाएगा, तो इस आइकॉन को प्रेस कर देना। आइकॉन को प्रेस करने के बाद नीचे के साइड में देख सकते आपको एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इजिली सुपर पावर सेविंग मोड से बाहर आ सकते हैं। एंड अगर आपको इसका सुपर पावर सेविंग मोड का शॉर्टकट चाहिए, तो नोटिफिकेशन पैनल आपको एक छोटा सा आइकॉन मिल जाता है, जो कि सुपर पावर सेविंग मोड का शॉर्टकट टॉगल है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप करने के बाद आपको सुपर पावर सेविंग मोड का एक शॉर्टकट टॉगल मिल जाएगा। सिंपल उसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप आसानी से सुपर पावर सेविंग मोड में स्विच हो सकते हैं। तो काफी अमेजिंग एंड शानदार फीचर मिल चुका है Realme C2 डिवाइस के अंदर, जो कि अभी तक बाकी फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आइकॉन एप्स पुल डाउन गेस्चर। सो इस प्रकार से देख सकते आइकॉन पुल डाउन गेस्चर का आपको फीचर मिल चुका है। इस फीचर की मदद से हम Realme C2 डिवाइस को वन हैंड यूज, मतलब कि वन हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप अपने एक ही हाथ से फोन को चलाते हैं एंड देख सकते अपनी जो उंगली ऊपर के आइकॉन में नहीं जा रहा है, मतलब कि किसी भी एप्लीकेशन पे दे सकते हैं अपनी उंगली नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर पुल डाउन कर सकते हैं, सारे एप्लीकेशन इकट्ठा हो जाते हैं। एंड दोस्तों, पुल डाउन करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो उस एप्लीकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो एप्लीकेशन है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। सर, काफी इंटरेस्टिंग फीचर Realme C2 डिवाइस के अंदर मिल चुका है, जो कि अभी तक बाकी फोन के अंदर देखने को नहीं मिला है। एंड दोस्तों, अगर आपको इस फीचर को इनेबल करना है, तो सिंपल जाइए होम स्क्रीन के सेटिंग में। होम स्क्रीन के सेटिंग में जाने के बाद एप्स पुल डाउन गेस्चर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको एप्स पुल डाउन गेस्चर पे जाना है एंड उसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको डीप क्लीनअप का फीचर मिल चुका है एंड काफी सारे एप्लीकेशन जो कि यार थर्ड पार्टी या फिर सिस्टम एप्लीकेशन कह सकते हैं, कैशे फाइल या फिर बैकग्राउंड में जैसे आपके ऊपर बैटरी को यूज करते हैं। तो सिंपल आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको प्रोसेस मैनेजर में जाना है एंड प्रोसेस मैनेजर में जाने के बाद आपके पास एक नया फीचर ऐड हो चुका है, जो कि है डीप क्लीनअप। सो क्या सिस्टम एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कह सकते हैं, सिंपल आपको डीप क्लीनअप के ऊपर क्लिक कर देना एंड एस पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपके पास जितने सारी कैशे फाइल कह सकती है या फिर जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं, बैटरी को ड्रेन करते हैं, उसके बैकग्राउंड में अगर स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि बैकग्राउंड में इतने सारे एप्लीकेशन रनिंग नहीं होंगे
आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाएगा एंड बैकग्राउंड में जितने सारे एप्लीकेशन को कैशे फाइल जनरेट हो रहे थे वो भी सब कुछ अपर डीप क्लीनअप हो जाएगा। सो गाइस मुझे अपने Realme C2DS के अंदर Android 10 का अपडेट जो कि Realme UI बेस Android 10 का अपडेट मिल चुका है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके Realme C2DS के अंदर कौन सा वर्जन चल रहा है एंड आपको Realme UI का अपडेट मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बता देना। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।